अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बहुत ही खूबसूरत जगह मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे अंतालिया में वाटरफॉल है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। तो यहाँ के बारे में मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, यहाँ से जैसे नज़र आ रहा है, ये सी व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है, और अभी साथ ही यहीं पर बहुत ही ज़बरदस्त वाटरफॉल भी है। ये आप देख सकते हैं, ये शाम का टाइम तकरीबन होने वाला है, और दूर तक ये नज़र आ रहा है। और साथ ही यहाँ पे एक कोई प्रोग्राम भी हो रहे थे, यहाँ पे साथ साथ चलते रहते हैं। तो हम तो बस जब करीब गए तो वहाँ तो देखा, जब डांस वगैरह हो रहे थे तो हम वहीं से वापस हो गए। तो हम तो अक्सर ऐसी जगहों पे जाते ही नहीं है। तो ये देखिए यहाँ की खूबसूरती, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा ये वाटरफॉल है। ये अंतालिया के अंदर है, साथ ही इसके बहुत बड़ा पार्क भी है। ये देखिए, दूर तक इंसान की निगाह जाती है तो कितना अच्छा महसूस होता है। ये हैं अल्लाह की कुदरत के नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। इंसान अगर इसको देखे, इसको एक्सप्लोर करे, तो इसी दुनिया में इतनी खूबसूरती छुपी हुई है कि इंसान देख देख के इंसान का माइंड रिलैक्स होता है, इंसान को अच्छा फील होता है। ये आप देख सकते हैं, अभी शाम का टाइम तकरीबन होने लगा था। यहाँ पे पास ही एयरपोर्ट भी था, तो यहाँ पे एक प्लेन की भी मैंने एक पिक्चर ले ली। ये आप देख सकते हैं, और ये शाम का बहुत ही खूबसूरत मंज़र है जो आप सबको मैं दिखा रही हूँ। क्लाउडी सा वेदर है, यहाँ ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था आज। ये देखिए यहाँ की खूबसूरती, इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि उस तरह की अच्छी जगह पे जाए, अच्छे माहौल में रहे, तो इंसान को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत ही अच्छा फील होता है। टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी आए हुए हैं, इसी सीज़न में काफ़ी आते हैं यहाँ पे, जुलाई अगस्त में। उसके बाद फिर हमने पार्क वगैरह घूमने के बाद वाटरफॉल दिखाया, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। उसके बाद फिर थोड़ा सिटी की तरफ चले गए हम, काफ़ी यहाँ पे अच्छी अच्छी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली। तो काफ़ी सारी जगह तो मैं आप सबको दिखा चुकी हूँ अंतालिया के, काफ़ी ऐसे आप लोग देख चुके होंगे मेरी पिछली वीडियोज़ में। तो ये भी उसी तरफ एक मुराद पाशा का एरिया है यहाँ पे। ये बहुत खूबसूरत यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, और यहाँ अच्छी खासी यहाँ पे आबादी भी है, और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। तो साथ ही बीच है यहाँ पे, टूरिस्ट आए होते हैं उसी हालत में, वो रूम से निकलते हैं और सीधा बीच पे पहुँच जाते हैं। तो ये देखें, लेफ़्ट साइड पे पूरा पार्क है, और राइट साइड पे सारे अपार्टमेंट्स हैं, कोई होटल है इनमें, और होटल अपार्टमेंट्स हैं, और ये भी काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक सी व्यू देखने को मिलता है, एक कुनियालती है यहाँ की जगह, उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले वैसे मैंने शेयर किए हैं, लेकिन अभी मैं डिटेल से इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आई होप कि आप सब इन्जॉय कर रहे होंगे मेरी ये इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती रहती हूँ आप सबको यहाँ की खूबसूरती दिखाऊँ, यहाँ की कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती रहूँ, यहाँ का कल्चर कुछ ना कुछ बताती रहूँ। तो आप लोग मुझे लाइक और शेयर भी कर लिया करें, और जो न्यू लोग हैं, तो जो न्यू फ्रेंड्स हैं, वो मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो ये देखिए, बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे, सरसब्ज और शादाब इलाका है ये। इस व्यू को देखें, ऊपर स्काई है, ऊपर क्लाउडी सा स्काई नज़र आ रहा है, साथ ही ये राइट लेफ्ट पे ग्रीनरी, और बहुत खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह। तो आप सब इन्जॉय करें इसको, खूब अच्छी तरह देखें,
और इन्फॉर्मेशन आप लोग को घर बैठे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको मेरी आज की वीडियो भी बहुत पसंद आ रही होगी। अपना फिर बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखा करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।